Hey guys, this is Rumana here and welcome back to my channel. मैं आज बनाऊंगी something tasty with chicken, like chili chicken, वो भी restaurant style में. मैंने यहाँ लिया है करीबन 300 ग्राम chicken, वो भी छोटे pieces में. पहले ही मुझे इसे marinate करके रखना है. तो marinate के लिए ज़रूरत पड़ेगी salt, taste wise. ये बेसन है, 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टेबलस्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर, कोरिएंडर, क्यूमिन एंड ब्लैक पेपर पाउडर हाफ टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट, होल एग 1 पीस, गरम मसाला हाफ टेबलस्पून ऑफ ग्रीन चिली पेस्ट. अब इसे मैं मिक्स कर दूंगी. इसे मैंने अच्छे से मैरिनेट कर लिया है. अब इसे 20 से 25 मिनट के लिए मैं रख दूंगी और उसके बाद इसके पकौड़े बनाऊंगी. मैंने यहाँ लिया है 2 ग्रीन पेपर, मीडियम साइज 3 ऑनियन एंड 1 मीडियम साइज टोमेटो. 1 ऑनियन क्यूब्स में होगा कटिंग और दोनों स्लाइस. जब तक वो मैरिनेट हो रहा हम इसको कट कर लेंगे. ग्रीन पेपर को क्यूब्स में कट करना है. ग्रीन पेपर को मैंने ऐसे क्यूब्स में कट कर लिया है. अब टर्न है ऑनियन की. इसे स्लाइस करेंगे. हो गए हैं मैरिनेट किए हुए. अब मैं इसका पकौड़ा बनाऊंगी. तेल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है कढ़ाई में और फ्लेम को कर दिया है लो. अब इसमें मैं एक एक करके सारे पकौड़े तल लूँगी. मैंने एग्स यूज़ किया था इसलिए बबल्स आ रहे हैं और पकौड़ा जो है इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है. मैंने पकौड़ों को बहुत अच्छी तरह से तल लिया है और मैंने पकौड़ा बनाया था मैं उसी तेल में. अब बाकी का प्रोसेस भी करूँगी. एक सिनेमन स्टिक ऐड करूँगी तेल में, स्लाइस किया हुआ प्याज. इसको लाइट ब्राउन करना है. ऑनियन हो गया है लाइट ब्राउन. अब मैं इसमें चिली ऐड करूंगी और लो फ्लेम में इसे स्टर करूंगी. थोड़ा सॉल्ट ऐड करूंगी एंड बैक टू स्टर ऑन अ मीडियम फ्लेम. ये वो मसाला है जो मैरिनेट करते वक्त मैंने यूज़ किया था. तो इसे मैं यूज़ करूँगी इंस्टेड ऑफ प्लेन वाटर. थोड़ा पानी देके मैं इसे बढ़ा लूँगी जो चिली को सॉफ्ट करने के लिए काम आएगी. अब मैं इसमें ऐड करूँगी ऑनियन क्यूब्स एंड टमाटो. ग्रेजुअली ये पानी मैं मिलाऊंगी इसमें. मैंने इसे अच्छे से स्टर कर लिया है. बाकी के मसालेदार ये पानी मैं यूज़ कर लूँगी और 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में रखूँगी इसे थोड़ा सॉफ्ट होने के लिए. आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल चेंज है और कैप्सिकम बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है. अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून ऑफ सोया सॉस, 2 टेबलस्पून ऑफ टमाटो केचप एंड 1 टेबलस्पून ऑफ चिली सॉस. मैंने चिली पाउडर और चिली पेस्ट दोनों ही यूज़ किया इसलिए मैं ज़्यादा तीखा नहीं बनाऊंगी. आप अपने स्वाद अनुसार तीखापन बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं. इसे मैं स्टर करूंगी थोड़ा. अब मैं इसमें चिकन ऐड करूंगी. ग्रेवी से अब ग्रेवी के साथ चिकन को अच्छे से मिला लूंगी. मैंने ग्रेवी को
साथ में मीडियम फ्लेम में बनाया है और चिकन को ग्रेवी के साथ, और साथ में के लिए छोड़ दूंगी मीडियम फ्लेम में। थोड़ा नॉर्मल पानी यूज़ करूंगी। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रेडी है। मैंने एक चम्मच कॉर्नफ्लावर में थोड़ा पानी मिला के रखा था, अब मैं इसमें डालूंगी ग्रेवी के लिए ताकि टेक्सचर अच्छा हो। लो फ्लेम में ही रखा है मैंने इसे। अब मैं थोड़ा गरम मसाला ऐड करूंगी। ये रेडी है, मैं अब करूंगी गैस को ऑफ। तो दोस्तों, चिली चिकन है बिल्कुल रेडी और वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब तो कीजिएगा, साथ में लाइक और कमेंट। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।